नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मनजीत कौर जी हैं जो 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। बेस्ट एंड डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा के लिए मनजीत कौर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 30 सालों से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। जहाँ लड़कियाँ वो सेफ हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसा मिले हुए? नहीं, हमें दिन रात सेवा करते हैं, हमें कुछ गलत नहीं लगा है। जहाँ जो मीडिया दिखा रहा है वो सब गलत है मैम। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं। हमारे गुरु हमें सच्ची शिक्षा देते हैं बेटियों के खिलाफ, अच्छा रहना सहना की ढंग, जहाँ बच्चियाँ बहुत सेफ हैं। मैम, जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा हैं, उनका नेचर स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, वो बच्चों के बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए काम क्या किए? बहुत भलाई के काम किए हैं, जैसे कि गरीब बच्चों को सहायता करना, उनकी मदद करना, गरीब परिवार के लड़कियों की शादी करवाना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिताजी ने करवाए हैं। 4 साल हो गए मैम अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संगत तो और भी दुगनी हो गई है। जरूरत है मैम उनकी समाज पे? हाँ जी, जरूरत है संत जी की। हाँ जी, बहुत जरूरत है। हमारी यही अरदास है पिताजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आएं। क्यों जरूरत क्यों है? हमें उसकी कमी बहुत महसूस होती है, वो बहुत अच्छे काम करवाते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से? जल्दी से जल्दी रिहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक का ये कहना है कि ऐसा माहौल नहीं है, दिन रात ये डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रही हैं। इनका कहना है बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है जैसा मीडिया में प्रचार किया गया था। ये लगातार सवाल उठ रहा है, फिर आखिर क्यों वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया? आप लोग भी सोचिए और अपनी राय इस सच का साथ देने के लिए, इन फैक्ट्स का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।